15. दोस्तों जब मगरमच्छ भूखे होते हैं तो इनसे ज्यादा दरिंदगी किसी और जानवर के अंदर देखने को नहीं मिलती। और तो और मगरमच्छों की आप किसी नेता से भी तुलना कर सकते हैं, क्योंकि मगरमच्छ भी बस सब कुछ निगलना चाहते हैं। क्या कभी आपने किसी वीडियो में देखा है कि मगरमच्छ ने किसी जानवर पर दया की हो? तो अगर आप भी मगरमच्छ के कुछ सबसे खतरनाक हमले देखना चाहते हैं तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें। दोस्तों बहुत से जानवरों को तो पानी के अंदर मौजूद खतरे के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, और इस कंगारू का भी यही हाल था, जिसे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। लेकिन ये बेचारा कंगारू जिस जगह पानी पी रहा, ठीक उसी पानी के अंदर मौजूद उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी। और ये तो आप जानते ही हैं कि मगरमच्छ का बाइट फोर्स किसी भी जानवर के मुकाबले सबसे ज्यादा होता है, और अपने इसी ताकतवर जबड़े की मदद से मगरमच्छ इस कंगारू को दबोच लेता है। और अब हफ्तों तक इस मगरमच्छ को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस मगरमच्छ को क्या कहें जो इस कंगारू को पकड़कर इतना उछलता है कि इस बेचारे कंगारू की बॉडी दो हिस्सों में बट जाती है, और मगरमच्छ को इसे खाने में आसानी होती है, जिसे मगरमच्छ ऐसा बार बार करता है। दोस्तों अब यहाँ जब एक गिजेल इस मगरमच्छ के चंगुल में फंस जाता है तो वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। अब ये तीन गिजेल नदी को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीनों के तीनों इन हैवान मगरमच्छों का शिकार हो जाते हैं। अब दोस्तों इस बड़े से दानव को देखो, सच में ये मगरमच्छ कितना ज्यादा बड़ा है, जिसके लिए ये गिजेल किसी रोटी के टुकड़े की ही बराबर है। दोस्तों ये तो होता ही है कि जब इन मासूम जानवरों को नदी पार करनी होती है तो उनमें से एक को इन मगरमच्छों का चारा बनना ही पड़ता है, जिसकी वजह से बाकी जानवर नदी को पार कर लेते हैं। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप खुद ही मगरमच्छों की तादाद देखो, और हर मगरमच्छ एक गिजेल को पकड़ना तो काफी नुकसान होता है। अब इस वीडियो में ये विशाल दानव अजगर से शायद अपनी कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है, और यहाँ तो इन दोनों दानव की लड़ाई पानी के अंदर हो जाती है, जिसमें मगरमच्छ अजगर पर भारी पड़ता है। लेकिन अजगर भी चालाक था और मौका पाते ही वहां से भाग निकलता है। लेकिन यहाँ ये अजगर इस मगरमच्छ को लपेटकर जकड़ा हुआ है, पर मगरमच्छ की शक्ल देखकर हमें तो नहीं लगता कि मगर को इस अजगर के लपेटने से कुछ खास फर्क पड़ रहा है। दोस्तों ये तो हमने आपको बता दिया कि मगरमच्छ के जबड़ों में कितनी ज्यादा ताकत होती है, और अगर अजगर का मुंह मगर अपने मुंह में दबा ले तो अजगर की तुरंत मौत हो जाए। और हमें लगता है कि इस अजगर का यही हाल हुआ है, क्योंकि मगरमच्छ इसे खाना भी शुरू कर देता है। यहाँ पता नहीं इस अजगर ने क्या सोचा और इस मगरमच्छ के मुंह में ही घुसा जा रहा था, जिसे इसकी बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ी। खैर अजगर का सर जरूर मगरमच्छ के मुंह में होता है, लेकिन फिर भी अजगर मगरमच्छ से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बचकर भी क्या फायदा जब मुंह ही कुचल गया। दोस्तों हिरन, गिजेल, इम्पाला ये सारे जानवर शिकार होने के लिए जंगल में होते हैं। जैसे कि इस बेचारे इम्पाला को पानी में मगरमच्छ दौड़ाए हुआ है, लेकिन ये क्या बीच में ये मगरमच्छ का भी बाप हिप्पो का क्या करने आ गया? दोस्तों अब आगे तो पता नहीं, क्योंकि ये तीनों ही पानी के अंदर डाइव करने जाते हैं, और आगे की वीडियो भी हमारे पास नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि ये इम्पाला हिरन जब नदी तालाब में पानी पीते हैं तो इन्हें अपनी मौत का डर बहुत ही ज्यादा रहता है, क्योंकि कब मगरमच्छ कहां से हमला कर दे कुछ पता नहीं होता। इसलिए जब इम्पाला पानी पीते हैं तो आप इनके खड़े होने का अंदाज देखिए, जो कि बिल्कुल भागने की पोजीशन है, और यही तरीका इन्हें कई बार मगरमच्छों से भी बचा लेता है। अब इस इम्पाला और मगरमच्छ के बीच प्यार मोहब्बत है या दोस्ती, ये तो नहीं पता। लेकिन इम्पाला भी सही समय पर अपने दोस्त से दूर हट जाता है। लेकिन ये क्या इम्पाला के पैर पर किसी जोक की तरह एक मगरमच्छ पहले से लापता है, जो इसे गहरे पानी में ले जाकर मारने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी इम्पाला इन मगरमच्छों से किसी तरह बचकर किनारे पर सही सलामत आ जाता है, जहाँ इस बेचारे इंतजार वहशी दरिंदे मतलब जंगली कुत्ते कर रहे थे। दोस्तों जब ये दो शेर सूंघते सूंघते इस मरे हुए हिप्पो की बॉडी के पास पहुंचते हैं तो एक मगरमच्छ पहले से वहां मौजूद होता है, जो इन शेरों को चेतावनी देने की कोशिश करता है। लेकिन शेर भी जंगल का राजा होता है, इतनी आसानी से हार थोड़ी ना मानेगा। लेकिन यहां लगता है जंगल के राजा के दिन पूरे होने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता और शेर पानी से निकलने में कामयाब हो जाता है। यहाँ ये छोटा दानव इस शेर पर हमला करने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन शेर को जैसे इंटरेस्ट ही नहीं है इससे लड़ने में।
दोस्तों हम बार बार कहते हैं कि जब तक हमारी वीडियो में जंगली सुअर नहीं होते हमारी वीडियो कंप्लीट ही नहीं होती, क्योंकि बेचारे जंगली सुअर हर जानवर का शिकार होते हैं। अब जैसे कि इस सुअर के लिए तो आगे कुआ पीछे खाई वाली कहावत सच हो गई, लेकिन सुअर को भी पता है ये जंगली कुत्ते बड़ी बुरी तरह से शिकार करते हैं, इसलिए मगरमच्छ का ही खाना बनना सही है। और ऐसी कई क्लिप्स है जिसमें कई बार तो जंगली सुअर इन मगरमच्छों से बच जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा ही हो जरूरी नहीं। अब न्यू ऑर्लियंस अमेरिका के इस वीडियो को देखो जिसमें ये जंगली सुअर इस बात से अनजान था कि मौत उसका पीछा कर रही है, और जैसे ही जंगली सुअर थोड़ा आगे बढ़ता है उतनी देर में मगरमच्छ फुर्ती से इस सुअर को अपना शिकार बना लेता है और इस सुअर के साथ ही मदद करने के लिए आगे आते हैं। लेकिन बेचारे कैसे मदद करते, क्योंकि मदद करना उनके बस की बात नहीं थी। दोस्तों जरा इस फोटो को देखो जिसे देखकर आपके समझ में आ जाएगा कि एक मगरमच्छ के जबड़ों में कितनी ज्यादा ताकत होती है। दोस्तों मारा नदी में पाए जाने वाले मगरमच्छ दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ होते हैं, जो कि अपने शिकार को अपने बड़े मुंह से पल भर में मारकर निगल भी सकते हैं। और हर साल बेचारे जेब्रा को इस नदी को खाने के चक्कर में पार करना पड़ता है, और ये बात इन जेब्रा को अच्छे से पता होती है कि पानी के अंदर मौत इनका इंतजार कर रही होती है। लेकिन अगर ये नदी पार नहीं करेंगे तो भूख से भी इनकी मौत हो जाएगी, और इसी वजह से इन बेचारों को मौत के मुंह से ही गुजरना पड़ता है। अब इस जेब्रा पर एक साथ 20 मगरमच्छों ने हमला कर दिया, और आप देख सकते हैं एक जेब्रा को हर तरफ से मगरमच्छों ने अपने मुंह में दबाया हुआ है, और यहाँ तो जैसे ट्रैफिक रुका हुआ है और पैदल चलने वाले रोड क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन रोड क्रॉस करते वक्त ही गाड़ी इन लोगों पर चढ़ा दी गई। दोस्तों अब आया सबसे अच्छा शिकार। जी हाँ, अब मगरमच्छ जंगली कुत्तों को उनकी औकात दिखाएंगे। जैसे कि जब ये मगरमच्छ इस कुत्ते को घसीटकर पानी में ले जाता है तो बाकी के कुत्ते पानी में तो नहीं उतर सकते, लेकिन अपने दोस्त के लिए उनकी चिंता आप इन कुत्तों की शक्ल देखकर कर सकते हैं। अब यहाँ इन जंगली कुत्तों ने शिकार किया है, लेकिन इस शिकारी को खाने में इन कुत्तों से ज्यादा ही टाइम लगा दिया, जिसकी वजह से मगरमच्छ पानी से निकलता है और शिकार को लेकर वहां से निकल लेता है। विल्डर बीस्ट और इम्पाला की ही तरह जंगली भैंसे भी एक ऐसे जानवर है जो इन जंगली शिकारी जानवरों की पहली पसंद होती है, और पहली पसंद इसलिए भी होती है क्योंकि अगर एक भैंसे को इन जानवरों ने मार गिराया तो पूरे ग्रुप का पेट भर जाता है। लेकिन इन्हें मारना इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि शेरों के लिए तो इन्हें मारना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और यही हाल मगर का भी होता है। जैसे कि इस क्लिप को देखिए जिसमें ये मगर घात लगाए बैठा सही मौके के इंतजार में, और जैसे ही मौका मिलता है मगर सीधा गर्दन पर अटैक करता है। लेकिन भैंसा भी किसी सिंघम से कम थोड़ी न था, वो भी अपनी पूरी ताकत से भैंसे को पानी से बाहर खींच लेता है, और आप तो जानते हैं कि इन जंगली भैंसों में कितनी एकता होती है, जो कि शायद ये मगर भी जानता था, इसलिए वहां से वापस पानी में ही भागना इस मगर को सही लगता है। अब इस क्लिप में ये भैंस शायद मर गई है, इसीलिए मगर के साथ साथ शेरों के मुंह से भी पानी टपक रहा है। अब हमारी लिस्ट के आखिर में हम आपको मगर का हमला इन टर्टल्स के ऊपर दिखाते हैं, क्योंकि इन दोनों जानवरों के मुंह का जो बाइट फोर्स होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। अब हमारी पहली क्लिप को देखो जिसमें ये कछुआ इस मगर के मुंह में फंस जाता है। अब यहाँ ये मगर न इससे निकल सकता है और न ही इसके कवच को तोड़ सकता है, और नेक्स्ट क्लिप में भी यही हाल है। ये मगर इस टर्टल को पकड़ तो लेता है, लेकिन इसे खा पाना इस मगर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, और सारी क्लिप में आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा जिसमें मगर इन्हें पकड़ तो लेते हैं लेकिन खाने में पसीने छूट जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।